हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एन वी एडुका। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने समझा था कि व्यापारिक पत्रों को कितने तरीके से लिखा जा सकता है और हमने ये भी देखा था कि एक व्यापारिक पत्र के क्या मुख्य अंग होते हैं। तो ये जो अंग आपके सामने लिखे हुए हैं, तो पिछले वीडियो मैंने आपको ये शो किए थे, बट आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल 12 पॉइंट्स हैं, फटाफट से इनके बारे में डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले है शीर्षक। शीर्षक यानी कि जो भी हेडिंग दी जाती है, ठीक। उदाहरण आप देख सकते हैं, ये कुछ नमूने हैं कि आप इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर आप नाम बीच में लिखिए और यहाँ पर बाकी की डिटेल्स आ गई, एड्रेस यहाँ पर आ गया। एक तरीका ये भी हो सकता है, सब कुछ सेंटर में लिख दीजिए। एक तरीका ये भी हो सकता है, कुछ डिटेल्स इस दोनों साइड ऊपर लिख दीजिए, उसके बाद भी नाम लिख लीजिए और साइड में पता लिख दीजिए। एक तरीका ये भी हो सकता है और एक तरीका ये भी हो सकता है और एक ये भी। तो देर आर 6 एग्जाम्पल्स गिवन, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। तो होता क्या है ये, देखिए इसमें क्या क्या शामिल होता है। फर्म का नाम होगा, व्यापार व व्यवसाय की प्रकृति, किस चीज़ में अपील कर रहे हैं, पता हो गया, तार का पता, टेलीफोन नंबर, कोड का नाम, ठीक है, और अन्य बातें हो सकती हैं। अब जनरली क्या करते हैं बिजनेस हाउसेस, बार बार इनको लिखना पड़ेगा हर लेटर पे, तो उसके बजाय उसको प्रिंट करा लेते हैं, एक लेटर पैड बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी व्यापारिक पत्र लिखना हो उसी पर लिख दिया जाएगा। तो ये तरीका अच्छा रहता है। हाँ, एक और कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखें, जब आप दूरभाष, वेबसाइट या तार का पता ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो सेमी कॉलन का इस्तेमाल करें, और जब आप यहाँ पे नाम और पता इस तरीके से एंटर में लिखते हैं तो कॉमा वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ डेट, दिनांक, ठीक है। तो दिनांक दिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो उसकी प्लेस को लेके मैटर है, पुराना जो तरीका है वो यहाँ पर चलता है लेफ्ट हैंड साइड पर, आप कुछ लोग राइट हैंड साइड पे भी लिखने लगे हैं और आप चाहें तो सेंटर पे भी लिख सकते हैं। और तारीख लिखने के तरीके क्या हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बीच में डॉट लगा के डेट, मंथ और ईयर को सेपरेट कर दें, या स्लैश लगा के सेपरेट कर दें, या बीच में हाइफन लगा के कर दें। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका ये हो सकता है जिसमें लिखा है July 15, 2016, अमेरिकन ढंग भी उसको बोला जाता है, या फिर 15 July, 2016, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ढंग बोला जाता है। ये थोड़े से कम सेफ माने जाते हैं क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, इसमें मैनिपुलेशन के लिए पूरा काटना पड़ेगा, इसलिए इस वाले को लोग अवॉइड करें, इन दोनों को ज़्यादा अडॉप्ट करें, हालांकि वो भी प्रचलन में है आज के समय में। नेक्स्ट है पाने वाले का नाम व पता। तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम व पता, तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड पर आता है वो। इस तरीके से मान लीजिए आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो जनरली इस तरफ आएगा, या आपका नाम पता हो डिटेल हो गई, इस तरफ आता है। तो लिखते वक्त थोड़ी सी डिटेल्स हमको ध्यान रखनी है कि अगर किसी पर्सन के लिए लिख रहे हैं तो श्री, या महिला है तो श्रीमती शब्द का इस्तेमाल करें, किसी संस्थान के लिए लिख रहे हैं तो सर्वश्री लिख लीजिए, ठीक। तो इस तरह की बातों का ध्यान रखना है, सम्मानजनक शब्द हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है खास। एक और चीज़ है, अंग्रेज़ी में आप जो है कई बार दा का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए जिसमें पर्सन का नाम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे दा का इस्तेमाल कर लेते हैं, हिंदी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये उदाहरण है, सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एड्रेस लिखने के दो तरीके प्रचलन में, एक अमेरिकन और एक अंग्रेजी। अमेरिकन में क्या है कि आपने फर्म का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा, ये सब एक ही सीक्वेंस में चल रहा है, एक ही जगह से शुरू हुए। यहाँ पर क्या हो जाता है कि पत्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई फर्म का नाम ऊपर आ जाएगा और सेंटर में बिल्कुल उसका एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं कि अगर आप व्यक्ति को लिखेंगे तो श्री या श्रीमती यूज़ करेंगे, अगर आप फर्म को लिखेंगे तो सर्वश्री या सर्वश्रीमती लिखेंगे, अगर महिलाओं की फर्म है तो, ठीक। इसी के साथ साथ अगर कंपनी वगैरह को लिख रहे हैं तो इंग्लिश में दा लगा सकते हैं, हिंदी में दा नहीं लगेगा, ठीक। अगर उस कंपनी के नाम में किसी पर्सन का नाम आ रहा है तो सर्वश्री लगा लीजिए, ठीक है। किसी मैनेजर वगैरह को लिख रहे हैं तो दा मैनेजर लिख सकते हैं, हिंदी में वो मैनेजर सिंपल मैनेजर रहेगा, ठीक। तो ये तरीके रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। सरकारी विभाग में वही बात आ गई, दा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दा रजिस्ट्रार इंग्लिश में, और हिंदी में सीधे रजिस्ट्रार महोदय इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर विभाग का नाम लिखें, फिर आप उसका जनपद लिखें, ठीक है। तो
तो ये भी यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करके बताया कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है अभिवादन, सैल्यूटेशन, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों से पहली बार मिलते हैं तो दुआ सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसी तरीके से जब आप पत्र की शुरुआत करते हैं तो एड्रेस वगैरह लिखने के बाद लोगों को आप अभिवादन करें, ठीक है, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कुछ नहीं, एक अच्छा सा तरीका है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं उसके साथ आपके संबंध कैसे हैं। अगर घनिष्ठ संबंध है तो घनिष्ठता वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, और अगर औपचारिक रूप से लिख रहे हैं तो औपचारिक जो शब्द होंगे उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि अगर व्यक्तियों को पत्र लिख रहे हैं तो डियर सर लिख लिया जाता है, डियर मैडम लिख लिया जाता है, ठीक है, या फिर आप केवल सर भी लिख सकते हैं। अगर वो आपके बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ है तो माई डियर सर लिख लीजिए। ओके, फर्म को लिखना है तो वहाँ भी डियर सर, डियर मैडम्स, डियर सर्स, अगर एक से ज़्यादा हैं तो जेंटलमैन, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्येक अभिवादन के पश्चात कॉमा लगा देना चाहिए, ठीक है ना, जो भी आप अभिवादन का यूज़ करें उसके बाद कॉमा यूज़ करें। नेक्स्ट है आपका विषय शीर्षक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप भी देखिए आपके व्यापार में अगर कहीं से पत्र आएगा, अगर आप पहले से समझ जाएंगे, पहले से ही ना पत्र को डिटेल में पढ़े वगैरह आप समझ जाते हैं किस विषय संबंधित है, तो उसको फाइल करने में आसानी रहती है, ठीक है ना। तो बीच में क्या होता है, जैसे ही आप अभिवादन कर देंगे, जैसे प्रिय महोदय लिखा, फिर आप विषय लिख सकते हैं जिस संदर्भ में आप पत्र लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में तरीका फॉलो किया जाता है। इससे क्या होगा, पत्र पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित होता है, ठीक है, वो विषय को शीघ्रता से समझ लेता है, पत्र को फाइल करने में सुविधा होती है, राइट। नेक्स्ट है आपका पत्र का विषय, ओके, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी भी लेटर का। इसके तीन हिस्से होते हैं, एक प्रारंभिक, दूसरा मिडिल और तीसरा सारांश। यानी कि पत्र में जो मेन आपको लिखना है वो यही है, ठीक है। प्रारंभिक का मतलब क्या है कि आप इसमें एक तरीके से परिचय देते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं, अपनी फर्म का परिचय दे सकते हैं, ठीक है। मिडिल में क्या होगा, लेकिन परिचय देने का ढंग भी ऐसा होना चाहिए कि जो माइंड पे एक इंप्रेशन छोड़े, बिकॉज वही वाली बात आ गई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो शुरुआत में आप कुछ कह रहे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए। कई बार इसमें समस्या लोगों को आती है, तो ये कुछ नमूने यहाँ पे दिए हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई आपके नगर के सर्वश्री बनारसी एंड संस ने हमें आपका नाम हवाले के रूप में दिया। अगर रेफरेंस के थ्रू आपको पता चला है, या ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रारंभ। ओके, इसमें एक और बात है कि अगर आपको रेफरेंस देना हो तो पुराने रेफरेंस को देते हुए, ठीक है, कि भाई हमने उस दिनांक पे, उस पत्रांक पत्र नंबर पे आपसे ये जानकारी ली थी, या हमारा ये डिस्कशन हुआ था, इस संदर्भ में हम ये बात कहना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका मुख्य विषय। मुख्य विषय में आप जो आपकी मेन बात है वो यहाँ पे रख सकते हैं, और जनरली इसे अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। यहाँ आप पूरी बातें लिख दीजिए डिटेल में, ठीक, डिटेल का मतलब पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है, छोटा पैराग्राफ रखना है और उसमें ज़्यादा बात आप कह सकें, स्पष्ट हो, घुमावदार बातें ना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखा जाएगा, आप इसे 1, 2, 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं, बेहतर है कम से कम पैराग्राफ लिखे जाएँ, लेकिन अगर लिखना पड़ रहा है तो 3 पैराग्राफ से ज़्यादा ना लिखें, ठीक। यहाँ पे पेपर के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, दैट इज़ सारांश, यानी कि अब आपको पत्र ख़त्म करना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, जिस तरीके से स्टार्ट करना ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसी तरीके से ख़त्म करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप उसके दिमाग पे छाप छोड़ते हैं, वो ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपनी समस्या के बारे में उसे रिवाइंड भी कराना होता है, ठीक है ना, वरना फिर ठंडे बस्ते में बात चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सावधानी से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए आप क्या कर सकते हैं, लोगों जो आपके पाठक हैं उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी ये वाक्य अपूर्ण मत लिखिए, अपूर्ण लिखेंगे फिर यहाँ पर आपको इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, तो पूर्ण लिखिए, ठीक है। और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं, हम आपसे इस माह के अंत तक उत्तर की आशा करते हैं, क्या आप ऐसे शुभ अवसर को पुनः पसंद करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य, यानी कि लास्ट में जो आपको प्रशंसा करनी है उसके कुछ वाक्य लिखने होंगे, ठीक। तो जिस तरीके से मौखिक वार्तालाप समाप्त होने पर विदा लेते हैं, अच्छा अच्छा भाई साहब चलते हैं, नमस्ते, इस तरीके से बात होती है ना, तो वही कुछ यहाँ पे पत्रों में फॉलो किया जाता है कि आप जब बातचीत अपनी ख़त्म कर रहे हैं तो आप क्या करें, कुछ प्रशंसात्मक वाक्यों का प्रयोग करें।
अब ये डिपेंड करता है कि आपने अभिवादन जो शुरुआत का पोर्शन था सैल्यूटेशन, उसमें किन शब्दों का यूज़ किया था। अगर आपने शुरुआत में प्रिय महोदय यूज़ किया है तो आप रचनात्मक लास्ट में लिख सकते हैं आपका शुभ चिंतक। प्रिय श्री यूज़ किया है तो आपका विश्वासी या सद्भावी कह सकते हैं। मेरे प्रिय श्री यूज़ किया है तो आपका अत्यंत विश्वासी। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको समाप्त करने के बाद कॉमा ज़रूर लगाएं। जैसे कि आपने यहाँ शुभ चिंतक लिखा, कॉमा लगाइए यहाँ, उसके बाद आपका नाम वगैरह आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका हस्ताक्षर व्यपथ। तो हस्ताक्षर व्यपथ बहुत ज़रूरी है। पहले आप अपने सिग्नेचर करें, जिस तरीके से मुझे अगर अपने सिग्नेचर करने हैं तो मैंने ऐसे सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पे हमारा नाम आ गया और यहाँ पे हमारा पद आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना होगा आपको। जब भी लेटर में आप सिग्नेचर वगैरह करेंगे, सिग्नेचर भी करिए, नाम भी डालिए और अपना पद भी डालिए। ये तो क्या मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप व्यापार में जिस भी पदवी पे हैं आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि वो लोग आपके सिग्नेचर को पहचानते हों। जनरली लोग नाम लिख लेते हैं, अदरवाइज आप सिग्नेचर आपके बहुत कॉमन है, वो लोग जानते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर स्टैंप वगैरह वाले नहीं होने चाहिए, लिखित होने चाहिए। और सिग्नेचर करते वक्त श्री से डी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था, सिग्नेचर हमेशा एक जैसे रहने चाहिए। अब ये बहुत ज़रूरी बात है, मान लीजिए एक पेज का आपका पूरा लेटर हो गया, यहाँ पर पूरा डिस्कशन आपका ख़त्म, अब सिग्नेचर आप केवल इस वाले अलग से पेपर पर कर रहे हैं तो ये यूज़लेस हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से मैनेज करें, थोड़ा स्पेस यहाँ छोड़ दें, बाकी की बातचीत यहाँ भी ले जाएं, फिर यहाँ से मैनेज करें, वो बेहतर रहेगा। हाँ, सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो कई बार जो है आपके अधिकृत लोग यानी आपके प्रतिनिधि वो भी सिग्नेचर करते हैं। तो वो जब सिग्नेचर करें तो कई बार अंग्रेजी में वो फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद अपना सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। हिंदी में देखेंगे तो ये सब आप नमूने देख सकते हैं। कोई मैनेजर है तो इस तरीके से लिख देगा, पार्टनर है तो ऐसे लिख देगा, वास्ते शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, किसी की जगह पे आप यूज कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संलग्न। अब लेटर के साथ आपको कुछ अगर पत्र वगैरह अटैच करने हैं प्रूफ के तौर पे, या पुराना कोई लेटर की कॉपी वगैरह लगानी है, तो यहाँ ये सब खत्म करने के बाद यहाँ अलग से संलग्न पत्र लिखें, सेमी कॉलोन लगाएं और जितने पत्र हैं 1-2 नंबर डाल के उसकी डिटेल लिख दी, ठीक है ना। कई बार ज़रूरी होते हैं, आपको प्रूफ लगाने होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, चेक बिल्टी प्रलेख ये सब, तो ये सब इसमें अटैच कर दीजिए। जैसे कि अब देखिए, लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए आपने पत्र भेज दिया, आपने सामने वाले से कहा भाई हमने तो इसके साथ बिल्टी भी भेजी थी, बोला कहाँ है बिल्टी, बिल्टी उसको मिली नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बिल्टी लिखी और बिल्टी अटैच भी की है तो ये प्रमाणित हो जाए, देखिए हमने यहाँ भी लिखी है, इसका मतलब हमने अटैच की है। तो आपके लिए भी यूज़फुल हो जाता है कि जब भी आप लिफाफे में डालें तो सारी एक लिस्ट चेक कर लें कि भाई सारे लेटर इसके अंदर हैं कि नहीं। नेक्स्ट आ गया आपका पुनश्च। पोस्ट स्क्रिप्ट, या इसको शॉर्ट में पीएस कह देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पुनश्च क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लेटर आपने टाइप कर दिया या लेटर आपने लिख लिया, उसके बाद आपको कुछ समस्या समझ में आई कि कोई बात लिखने से छूट गई, ठीक है ना, या कुछ और अतिरिक्त आपको बढ़ाना लग रहा है अब ज़रूरी, ठीक है, या कुछ बदलाव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे संलग्न पत्र के नीचे लिखें पुनश्च, और जो भी बात आपको लिखनी है आप लिख दीजिए शॉर्ट सेंटेंस में। जैसे कि इन्होंने यहाँ लिखी है, हमें खेद है कि हमारे विक्रय प्रतिनिधि श्री अरोरा को यात्रा प्रारंभ करने में एक सप्ताह की देरी हो जाएगी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसके बाद अपना सिग्नेचर ज़रूर करें और जो भी आपका पद है वो भी लिखें, ताकि पता चल जाए स्टेटमेंट कौन दे रहा है। ऐसी थोड़ी कोई भी कुछ भी लिख देगा, वरना तो कोई क्लर्क भी लिख देगा, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है आपकी कॉन्शियस का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन कई बार ज़रूरी होगा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़ रही है तो इस तरीके से इसको ऐड ऑन करें। नेक्स्ट आ गया आपका लिपिक के हस्ताक्षर। लिपिक यानी कि क्लर्क। तो कई बार क्या होता है, क्लर्क सारा लेटर वगैरह वही टाइप करता है, तो इस बात की संतुष्टि हो जाती है प्रबंधक को कि भाई क्लर्क द्वारा सारी चीज़ें जांच ली गई, तो अपना सिग्नेचर करके देगा। देखिए पढ़ लेते हैं ना, कभी कोई पत्र का टाइप करने वाला क्लर्क या लिपिक पत्र के उल्टे हाथ के निचले कोने में अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर कर देता है, उल्टे हाथ के निचले कोने में, यानी कि इस तरह। प्राय बड़े बड़े कार्यालयों में कई टाइपिस्ट हुआ करते हैं, यदि पत्र के टाइप करने में
कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए कौन सा क्लर्क जिम्मेदार था, इसका पता सरलता से इन संक्षिप्त हस्ताक्षरों के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है ना, यानी आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं कि भाई किस व्यक्ति ने गलती की, तो ये भी एक व्यवस्था है। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के कितने बिंदु हुए, 12 बिंदुओं को हमने डिस्कस किया जो एक व्यापारिक पत्र के मुख्य भाग या मुख्य बिंदु कहे जा सकते हैं। ठीक, अगर आप इनकी जानकारी रखेंगे, सावधानी बरतेंगे तो आप एक बेहतरीन व्यापारिक पत्र लिख पाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।